नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हर बार हमारी एक कोशिश रहती है कि हम आपको एक नई आयुर्वेदिक औषधि और जड़ी बूटी से अवगत करा सकें। इसी कोशिश के साथ आज मैं फिर से आपके सामने हूँ एक नई आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के साथ, जिसका नाम है बरगद। बरगद के वृक्ष के बारे में भारतवर्ष में सब जानते हैं। इसको विभिन्न भाषाओं में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे संस्कृत में वट, रक्तफल, ध्रुव, वृक्षनाथ, हिंदी में बड़, वट, बरगद, गुजराती में बड़, बड़लो, पंजाबी में बरगद, बेरा, अंग्रेजी में बनियन ट्री व लैटिन में फिकस, बैंगलेंसिस इत्यादि। बरगद का वृक्ष बहुत विशाल होता है और इसमें लंबे तंतु होते हैं जो पेड़ से जमीन तक आते हैं। बरगद के पत्ते गोल और अंडाकृति के होते हैं। इसके फल लाल रंग के होते हैं जो इसके पिंड में से निकलते हैं। इसकी शाखाओं में से लाल रंग के अंकुर निकलते हैं, जिन्हें बड़ की जटा कहते हैं। गुण, दोष और प्रभाव। आयुर्वेदिक मत के अनुसार बरगद के वृक्ष का हर एक हिस्सा कसेला, मधुर, शीतल, आंतों का संकोचन करने वाला होता है और यह कफ, पित्त और व्रणों को नष्ट करने वाला होता है। बरगद वमन, ज्वर, योनिदोष, मूर्छा और विसर्प में लाभदायक है। बरगद के फूल पत्ते पसीना लाने वाले और कोमल पत्ते कफनाशक होते हैं। इसकी छाल स्तंभक होती है। दांत खराब हो जाने पर बरगद के दूध का फोया रखने से दंतशूल ठीक हो जाता है। कमर के दर्द और संधियों के सूजन पर इसके दूध का लेप करने से फायदा होता है। बरगद के उपयोग। चोट। इसका दूध चोट और मोच पे लगाने से लाभ मिलता है। गठिया। गठिया की सूजन पर दूध का लेप करने से पीड़ा कम होती है। फोड़े। इसके पत्तों का पुल्टिस बनाकर पीपदार फोड़ों पर बांधने से फोड़े जल्दी पकते हैं। वीर्य की कमजोरी। इसके क्वाथ या रस को गाढ़ा करके उसमें पौष्टिक औषधियां मिलाकर खाने से वीर्य की कमजोरी और मूत्रकृच्छ मिटता है। रक्तप्रदर। रक्तप्रदर, खूनी बवासीर इत्यादि में रक्त का बहना ना रुकने पर बरगद के दूध की 5 से 7 बूंदें दिन में 3 से 4 बार देने से रक्त का बहना बंद हो जाता है। इसके अलावा बरगद कमर का दर्द, वमन, मसूड़ों का रोग, उपदंश, आग से जलना, रक्त पित्त, अतिसार इत्यादि को ठीक करने में भी बहुत कारगर है। बरगद के इतने सारे लाभों से तो अब आप परिचित हो गए होंगे। ये जानकारी आपको सिर्फ आयुर्वेद से जुड़कर ही मिल सकती है। अब इस जानकारी के बाद बात आती है कि अगर आप कोई आयुर्वेदिक दवा खरीदना चाहते हैं तो खरीदे कहाँ से। तो इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप परमानंद आयुर्वेद की मदद से अपनी जरूरत की सभी दवाइयाँ पा सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगली बार फिर मिलूंगी एक नई आयुर्वेदिक औषधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।